नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज से फिर से हम ड्रीम इलेवन की तीन विनिंग टीम्स देखने वाले, तीन कॉम्बिनेशन देखने वाले जिससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो इससे पहले कि आप ये तीनों टीमें देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहे। तो चलिए चलते हैं ड्रीम इलेवन की साइट पर, और हम आज देखने वाले दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस की टीमें, जिसमें हमें तीन विनिंग टीमें देखने हैं, जिसमें से एक ग्रैंड लीग की रहेगी तो एक दो स्मॉल लीग की रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ चुके हैं, हमें क्रिएटर न्यू टीम पे क्लिक करनी है। सबसे पहले आप कीपर्स पे आते हैं। कीपर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे पंत, डीकॉक और ईशान किशन, तीनों के तीनों काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन हम पॉइंट्स की दिक्कत के कारण सबको ले पाएंगे ये पता नहीं। तो सबसे पहले टीम में हम पंत और ईशान किशन को शामिल करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद हम डीकॉक का बाद में सोचेंगे, अगर पॉइंट्स हमें मिलते हैं तो हम ज़रूर उन्हें भी लेंगे। अब चलते हैं बल्लेबाजी पर। बल्लेबाजी में हम शिखर धवन ऑफकोर्स काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते, इन्हें हम पिक करने वाले हैं। रोहित शर्मा भले ही इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन जिस दिन वो फॉर्म में रहेंगे वो अकेले के दम पे मैच का रुख पलट सकते हैं, तो उन्हें भी छोड़ना अकलमंदी साबित नहीं होगी, तो उन्हें भी हम अपनी टीम में ज़रूर शामिल कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी शॉ। जी हाँ, पृथ्वी शॉ को हम पिक करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया हिटिंग पावर उनमें नज़र आ रही है इस बार उनमें। और आखिर में हम और एक बल्लेबाज लेंगे, वो है सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, स्काई, उनको अब नया नाम मिल गया है स्काई, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इसलिए हम उन्हें भी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब चलते हैं गेंदबाजी पर, तो माफ कीजिएगा ऑलराउंडर्स पर चलते हैं। पहले ऑलराउंडर्स में हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ अलग निर्णय लेने होंगे ताकि हमारे क्रेडिट है जो है वो बचे और हमें पूरी 11 की टीम सिलेक्ट करने में दिक्कत ना हो। तो हम इसमें से स्टोइनिस, रुनाल पांड्या और वोक्स, ये और कैरन पोलार्ड, ये चार प्रबल दावेदार है टीम में हकदार है रहने के, लेकिन हम अभी इनमें से दो को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें से एक है क्रिस वोक्स। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 174 पॉइंट अब तक वो दे चुके हैं और हमें सिर्फ 8.5 क्रेडिट में मिल रहे हैं, जबकि मार्कस स्टोइनिस हमें 9 पॉइंट में मिल रहे हैं। अभी पिछले मैच की छोड़ के वो अभी इतने टच में नज़र भी नहीं आ रहे और उन्हें गेंदबाजी भी नहीं मिल रही है। उनके मुकाबले क्रिस वोक्स को गेंदबाजी भी मिल रही है, अगर बल्लेबाजी आती तो वो अच्छे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं दोस्तों। दूसरे ऑलराउंडर को हम शामिल करेंगे, वो है कृणाल पांड्या। स्टोइनिस के मुकाबले कृणाल पांड्या अच्छे लग रहे हैं इस बार, क्योंकि उन्हें बल्लेबाजी आती है तो बल्लेबाजी भी कर ले रहे हैं थोड़ी, और गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये दो ऑलराउंडर हमारी टीम में शामिल होंगे दोस्तों। तो अब चलेंगे हम गेंदबाजी पर। गेंदबाजी में हम अच्छे गेंदबाज लेने की कोशिश करेंगे, उसमें से सबसे पहले तो हमारे बूम बूम बुमराह को हम इस टीम में शामिल कर रहे हैं दोस्तों। काफ़ी मतलब अच्छे गेंदबाज है वो, और डेथ ओवर में तो काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें टीम में ज़रूर शामिल करेंगे दोस्तों। दूसरे गेंदबाज है दोस्तों रबाड़ा। जी हाँ, रबाड़ा को हम टीम में शामिल कर रहे हैं, वो दिल्ली कैपिटल्स की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है गेंदबाजी में, इसलिए उन्हें भी हम नहीं छोड़ सकते। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इतनी मशक्कत के बाद भी हमारे पास सिर्फ 8 क्रेडिट बचे हैं, और 8 क्रेडिट में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है दोस्तों, हमें एक बॉलर ही लेना है। तो जे यहाँ पे ये है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही अच्छा ऑप्शन है, वो है आवेश खान का दोस्तों। तो इस तरह से हमारी टीम बन गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऋषभ पंत है हमारी टीम में, ईशान किशन है हमारी टीम में, रोहित शर्मा, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, माफ कीजिएगा
सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ, क्रिस वोक्स, कृणाल पांड्या, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान और रबाडा, काफ़ी अच्छी टीम बन गई है दोस्तों। अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें हमें कप्तान और वाइस कप्तान किसे बनाना है, जो काफ़ी मुश्किल वाली बात है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, कृणाल पांड्या, क्रिस वोक्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं दोस्तों यहाँ पे कप्तान और वाइस कप्तान बनाने के लिए। लेकिन मैं जाऊँगा यहाँ पे जो सबसे अच्छी टीम है वो है शिखर धवन के साथ जाऊँगा मैं, और दूसरे जो है मैं जाऊँगा पृथ्वी शॉ के साथ तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि दोनों एक ही टीम के मैं नहीं लगाना चाहता। तो मैं ज़रूर सूर्य कुमार यादव के साथ जाऊँगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टीम से आते हैं, तो काफ़ी ज़बरदस्त टीम हमारी पहली बन चुकी है। अब देखते हैं दूसरी टीम दोस्तों। क्रिएट अ न्यू टीम, बाय टीम पर क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू टीम पर क्लिक करनी है दोस्तों। हमें इस टीम में ऋषभ पंत और डिकॉक, इन दोनों को लेना है। हम ईशान किशन को इस टीम में नहीं ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये टीम सबसे बेटर बनने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अब हम बल्लेबाजी में रोहित शर्मा को ले रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम शिखर धवन को भी ले रहे हैं, सूर्य कुमार यादव को भी हम इस टीम में ले रहे हैं दोस्तों, और पृथ्वी शॉ को भी इस टीम में हम ले रहे हैं। तो इस तरह से जो टॉप फोर बैट्समैन है उनको हमने इस टीम में शामिल कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑलराउंडर रहेगा, माफ़ कीजिएगा, एक ऑलराउंडर क्रिस वोक्स रहेगा। तो दूसरे ऑलराउंडर ललित यादव को हमें लेना है, क्योंकि वो आर्टी क्रेडिट में मिल रहे और अच्छे लग रहे थे वो पहली मैच में। अब चलते हैं गेंदबाजी पर। तो गेंदबाजी में ऑफकोर्स हमें ट्रेट बोल्ट को इस बार लेना है, क्योंकि हमने पिछली लीग में उन्हें नहीं लिया था, इसलिए ट्रेट बोल्ट को हमें लिया है। दूसरे रहेंगे राहुल चहर, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है राहुल चहर, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे चुके हैं दोस्तों। तो ये राहुल चहर भी हम टीम में ले चुके हैं। देख सकते हैं आप, फिर से आरटी क्रेडिट हमारी बची है। तो आठ क्रेडिट में ऑफकोर्स आप सबको पता ही है कौन आने वाले हैं, वो है, माफ कीजिएगा, वो आवेश खान दोस्तों, जी हाँ। तो इस तरह से हमारी टीम फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं। मुंबई की तरफ से डीकॉक, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव है बल्लेबाजी में, तो वही शिखर धवन, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ है दिल्ली की तरफ से। तो वही यहाँ पे ऑलराउंडर्स में दोनों दिल्ली के हैं, ललित यादव और क्रिस वोक्स, और गेंदबाजी में ट्रेट बोल्ट और राहुल चहर दोनों ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं, और दिल्ली की तरफ से एक ही गेंदबाज है, क्योंकि ललित यादव और क्रिस वोक्स गेंदबाजी करते हैं, वो है आवेश खान। तो इस तरह से हमने टीम सेव कर ली है दोस्तों। इस टीम में कप्तान और वाइस कप्तान थोड़े अलग लगाने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि हमें थोड़े तुक्के मारने पर भी हम लीग अच्छे से जीत सकते हैं। तो तुक्के तो नहीं कहूँगा मैं दोस्तों, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाज है, इनको मैं लगाने वाला हूँ। जो है वो पृथ्वी शॉ काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, उनको मैं कप्तान लगा रहा हूँ, और हमारे हिट मैन रोहित शर्मा, इनको मैं वाइस कप्तान लगाऊंगा। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी टीम भी बन चुकी है। अब बची है लास्ट टीम, जो है कि माय टीम पे हम फिर से क्लिक करने वाले हैं, क्रिएट अ न्यू टीम पे क्लिक करेंगे वापस से दोस्तों। यहाँ पे हम फिर से कुछ हटके करना चाहेंगे, यहाँ पे हम ऋषभ पंत और ईशान किशन को ले रहे हैं दोस्तों। ईशान किशन और ऋषभ पंत को, यानी हम यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्वांटन डिकॉक को हम इस टीम में नहीं ले रहे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम बल्लेबाजी पर फिर से आते हैं, जिसमें हम शिखर धवन को जरूर टीम में शामिल कर लेंगे, रोहित शर्मा को भी टीम में रख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भी अच्छे खासे बल्लेबाज है, सूर्य कुमार यादव को भी हम टीम में ले रहे हैं दोस्तों, और पृथ्वी शॉ को भी हम टीम में वापस ले रहे हैं। तो इस तरह से ये चार बल्लेबाज हो चुके हैं।
लेकिन यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिला रहे हैं, वो है स्टीव स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, स्टीव स्मिथ यानी इस लीग में हमारे पास 5 बल्लेबाज रहेंगे। तो अब ऑलराउंडर की तरफ चलते हैं, तो वो है क्रिस वोक्स। आप चाहे तो केरन पोलार्ड को भी इस टीम में ले सकते हैं, आप चाहे तो रुनाल पांड्या को भी इस टीम में ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी और को भी ले सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम केरन पोलार्ड को इस टीम में ले रहे हैं। तो केरन पोलार्ड के बाद हमें गेंदबाजी पर जाना है। गेंदबाजी पर जाने के बाद हम बुमराह को इस टीम में शामिल करेंगे। दोस्तों बुमराह हम ले रहे हैं इस टीम में। फिर से एक बार हम 8 क्रेडिट वाले आवेश खान को लेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें तीनों टीमों में रखा है। इसका आप कहेंगे कि क्यों ये, क्योंकि दोस्तों अच्छे गेंदबाज है और हमें सिर्फ 8 क्रेडिट में मिल रहे, और तो हमारे क्रेडिट भी बच रहे हैं और हमें एक अच्छा ऑप्शन भी मिल रहा है दोस्तों। इसी वजह से मैंने उनको तीनों टीमों में लिया है। अब हमारे पास 8.5 क्रेडिट बचे दोस्तों, तो हम अब 8.5 के गेंदबाज देखेंगे। मुझे लगता है कि अगली मैच में नोटजे जरूर इन रहेंगे, तो आप नोटजे को टीम में ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर राहुल चहर भी है, आपके पास आर अश्विन भी एक अच्छा ऑप्शन है, आपके पास फिर काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं, मिलने भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप चाहे तो मैं इस टीम में नोटजे को लेता हूँ, लेकिन नोटजे को नहीं राहुल चहर को ले लेते हैं दोस्तों। पर यहाँ पे संतुलित टीम नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि 3 गेंदबाज हो जाएंगे मुंबई की तरफ से। पोलार्ड हालांकि कम ही गेंदबाजी करते और आवेश खान हो जाएंगे, तो इसीलिए राहुल चहर को हम नहीं ले सकते। तो अब हमें कोई और ढूंढना होगा, तो अब हम इसमें आर अश्विन को शामिल कर लेंगे। जी हाँ, आर अश्विन हालांकि अब तक फॉर्म में नहीं है, लेकिन जिस दिन भी वो फॉर्म में आएंगे वो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टीम बन चुकी है। ऋषभ पंत, शिखर धवन, स्टीव स्मिथ, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, केरन पोलार्ड, अश्विन, बुमराह और आवेश खान। तो इस तरह से हमारी टीम बन चुकी है। तो इस टीम में कप्तान और वाइस कप्तान किसे बनाए? दोस्तों आपको मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने जो टीम्स दिए उसी पर दाव लगाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुछ एक दो चेंजेस करने भी पड़ सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं और उस पर भी दाव लगा सकते हैं। तो इस टीम में अब मैं ऋषभ पंत को कप्तान बनाने वाला हूँ दोस्तों, और वाइस कप्तान के लिए मैं जाऊँगा दोस्तों वाइस कप्तान के लिए अब हम ईशान किशन के साथ जाएंगे, क्योंकि ईशान किशन भी अच्छे बल्लेबाज है। तो अब हम सेव टीम कर लेते हैं। इस तरह से तो ये 3 टीमें जो ड्रीम इलेवन की विनिंग टीमें थी, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। जो नंबर 1 वाली टीम थी वो ड्रीम इलेवन में आप ग्रैंड लीग में भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अगर आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, थैंक यू दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए साथ ही साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।